तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड को फिर एक नया मुख्यमंत्री मिला है। इस बार बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में हुई विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी है। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं की खटीमा सीट से विधायक हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संघ दोनों के करीबी माने जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी भी रह चुके हैं, तो इनके नाम पर मुहर लगी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि हाईकमान ने इनके नाम को चुना है, विधायक दल में इस पर मुहर लगी है और विधायक हैं इसलिए चुनाव का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन 6 से 7 महीना और इस सरकार के टर्म अभी बाकी है फिलहाल, तो इनको मुख्यमंत्री अब बनाया गया है। सुनते हैं कि चुने जाने के बाद, अपने नाम पर मुहर लगने के बाद इन्होंने क्या कहा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना जी तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृहमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे, जनता की सेवा। देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है, उस काम को आगे बढ़ाऊंगा।